छत्तीसगढ़ के भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में बीती रात मुखबिर के शक में शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने तलवार से पति व पत्नी सहित उनके बेटे पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल दंपत्ति व उनके बेटे को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में छत्तीसगढ़ के खुर्सीपार की पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। केएलसी निवासी राजेश अवस्थी व माधवी अवस्थी का विवाद आकाश शर्मा उर्फ गोली से हुआ था। विवाद का कारण मुखबिरी को माना जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान शराब की अवैध बिक्री के आरोप में महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट की कार्यवाही हुई थी, इसी के कारण महिला को जेल जाना पड़ा था। कुछ दिन के बाद ही महिला जेल से छूटी और इन्हें आकाश शर्मा पर मुखबिर का शक था। बीती रात राजेश व माधवी अपने बेटे के साथ आकाश शर्मा के घर पहुंचे और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। आकाश शर्मा ने घर से तलवार निकाली और दंपत्ति सहित उनके बेटे पर वार कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर खुर्सीपार पुलिस पहुंची और घायल दंपत्ति व बेटे को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपी आकाश शर्मा उर्फ गोली को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर अस्पताल में घायल दंपत्ति की मौत हो गई, वहीं बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। खुर्सीपार पुलिस के मुताबिक पहले भी दोनों पक्षों में कई बार विवाद और मारपीट हो चुकी है। वहीं आरोपी गोली का कहना है कि राजेश व माधवी के बेटे उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे, अपने बचाव के लिए वह घर आया और तलवार लेकर बाहर आया और तीनों पर हमला कर दिया। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।